हाँ बोलो मोदी जी, आपको अपने आधार कार्ड में क्या संशोधन करवाना है? बताओ जल्दी बताओ। आज बहुत ज्यादा भीड़ भी है, क्या बताया जाए, बड़ा भीड़ है आज तो। राहुल, मेरे आधार कार्ड में गलती से मेरी उम्र ज्यादा लिख दी गई है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई है, उसी का संशोधन कराना है मुझे, जिसकी वजह से मुझे बहुत सी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, इसीलिए मेरी डेट ऑफ बर्थ को ठीक कर दूं। कोई बात नहीं है मोदी जी, हम तो आधार कार्ड का संशोधन करने के लिए बैठेंगे। फिंगर सही से लगाओ, तुम्हारा फिंगर की पकड़ नहीं हो पा रही है। अरे अच्छी तरीके से तो उंगलियों को साफ करके तो मैं लगा रहा हूँ, आपका कंप्यूटर मेरे फिंगर को पकड़ क्यों नहीं पा रहा है? लगता है आपके कंप्यूटर में ही कुछ गड़बड़ है, पहले अपने कंप्यूटर का संशोधन करो। नहीं मोदी जी, ऐसा करो, अपनी उंगलियों को जरा पैंट पर अच्छी तरीके से कपड़े पर घिसो, घिसकर लगाओ, फिर कंप्यूटर पकड़ लेगा आपके फिंगर को। रही डेट ऑफ बर्थ बढ़वाने की, वो तो हम बढ़ा ही देंगे, बताओ कितनी डेट ऑफ बर्थ कराना है आपको? अरे भाई, डेट ऑफ बर्थ को बढ़ाना नहीं है, कम करना है। मेरी उम्र आधार कार्ड में ज्यादा है, उसको उम्र को कम करना है। वो तो मेरी दाढ़ी पक गई, नहीं तो उम्र में 30 साल करवाना चाह रहा था। अरे मोदी जी, आप भी अजीब बात करते हो, जब हम आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर बढ़ाएंगे तभी तो आपकी उम्र कम होगी। अरे भाई साहब, क्या मैं ऐसी खड़ा रहूंगा? ये बताओ, ऐसी खड़ा रहूंगा? आप कितनी देर से मोदी जी का संशोधन कर रहे हैं आधार कार्ड में, और मैं 1 घंटे से खड़ा हुआ हूँ, कितनी देर में इनके आधार कार्ड का संशोधन होगा? अरे भाई अखिलेश, योगी जी खाली बैठे तो हैं, उनके सामने जाओ, अपना संशोधन करवाओ आधार कार्ड में। आपको क्या संशोधन करवाना है, करवाओ। मैं तो मोदी जी का आधार कार्ड का संशोधन कर रहा हूँ, क्योंकि इनका फिंगर नहीं पकड़ रहा है, इस वजह से देर लग रही है। राहुल, मैं योगी जी से अपने आधार कार्ड में संशोधन नहीं करवाऊंगा, मैं आप ही से करवाऊंगा संशोधन, क्योंकि पिछली बार मैंने योगी जी से आधार कार्ड में संशोधन करवाया था, इन्होंने मेल की जगह फीमेल लिख दिया था। अरे भाई अखिलेश, इतनी छोटी सी गलती के लिए आप भी भड़कते हो। अरे तुम्हारे आधार कार्ड में गलती से M की जगह F प्रिंट हो गया, इसमें मेरी क्या गलती? आओ सामने आकर बैठो, आपकी गलती नहीं होगी, ठीक कर देता हूँ तुम्हारा आधार कार्ड। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, जब मोदी जी का फिंगर प्रिंट ये कंप्यूटर नहीं पकड़ रहा है तो इन्हें हटाओ, कब तक इन्हें सामने कंप्यूटर के बैठा ले रहोगे? मुझे अपने आधार कार्ड में एड्रेस का संशोधन करवाना है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल तुम चिंता क्यों करती हो? जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वो ही होता है। जब इतनी तेज आंधी आ गई तो अपने हाथ में क्या बचाता है ये बताओ। इस तेज आंधी और तूफान में अपने आम के पेड़ों से सारे कच्चे आम टूटकर गिर गए। अरे मोदी जी, चिंता इस बात की नहीं है कि अपने आम के पेड़ों पे से ये कच्चे आम तूफान आंधी में टूट कर गिर गए, चिंता तो इस बात की है अब ये इतने कच्चे आम बिकेंगे कैसे, कैसे करके बिकेंगे? आज 4 दिन होने को जा रहे हैं लेकिन अभी तक एक भी आम नहीं बिका है। राहुल तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, एक ना एक दिन इस मंडी में कच्चे आम खरीदने के लिए कोई ना कोई व्यापारी आएगा ही आएगा, और कोई अच्छा व्यापारी आ जाएगा, सारे के सारे कच्चे आम मैं उसी को बेच दूंगा। लेकिन मोदी जी, आपको मेरा तो ध्यान है, आज मुझे मंडी में आए हुए 4 दिन हो गए, 4 दिन की दिहाड़ी ले लूंगा मैं। राहुल क्या करें, अखिलेश को इसके घर भेज दे? मैं अखिलेश को इसलिए मंडी में लाया था, मैंने सोचा था एक ही दिन में ये आम बिक जाएंगे और आम बेचकर अपना लोग घर चले आएंगे, अपने ऊपर ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी, अखिलेश को 1 दिन की दिहाड़ी दे देंगे। लेकिन आज 4 दिन होने को जा रहे हैं, आम बिकी नहीं रहे, खाली बैठाल के अखिलेश को कितने दिन खिलाया जाए, इसे घर भेज देते हैं। अरे कोई व्यापारी आ रहा है। अरे भाई साहब, आम तो बहुत बढ़िया है, आपके आम क्या रेट दे रहे हो? काफी बड़े बड़े आम है, लेकिन काफी आम है, आम का रेट बताओ, सारे के सारे आम खरीद लूंगा। सेठ जी, सारे के सारे आम खरीद लोगे तो आप अपना ही रेट बता दो, आप जो भी रेट बोलोगे उस रेट में मैं सारे आम बेच दूंगा। तो ऐसा करो, 15 रुपए किलो के हिसाब से सारे के सारे आम मुझे तोल दो। अरे सेठ जी, आप आम का रेट कुछ ज्यादा ही कम लगा रहे हो, फुटकर का भाव लगा रहे हो। अरे थोक का रेट लगाओ, थोक का 20 रुपए किलो ले लो। राहुल एक व्यापारी और आ गया। अरे भाई साहब, आम क्या रेट बेच रहे हो, आम का रेट बताना। अरे मोदी जी, आज तो आम खरीदने के लिए काफी व्यापारी आ रहे हैं, रेट ज्यादा बताना। राहुल ज्यादा ही बताऊंगा, ज्यादा ही बताऊंगा। हाँ सेठ जी, आम मैं 50 रुपए किलो बेच रहा हूँ, ले लो सारे के सारे आम। अरे भाई साहब कुछ सस्ते लगा लो, 40 रुपए किलो में सारे के सारे आम दे दो। कोई बात नहीं सेठ जी, 10 रुपए की गुंजाइश आपको कर देता हूँ, 40 रुपए किलो के हिसाब से सारे के सारे आम आपके हुए। भाई साहब ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, आपने मुझसे 20 रुपए का भाव बोल दिया था, जब आप मुझसे सौदाबाजी कर रहे थे तो आप दूसरे व्यापारी से बात क्यों करने लगे? करूंगा नहीं दूसरे व्यापारी से बात, जब इतने कम रेट लगाओगे तुम सेठ जी तो मैं कैसे करके इतने सस्ते आम आपको बेच दूंगा। तुम ये आम मुझी को बेचते और बेच कर बच भी रहते अगर ये दूसरे व्यापारी यहाँ नहीं आते। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
राहुल इन योगी जी को एक गिलास शरबत और दो, एक गिलास शरबत और दो। अरे योगी जी कैसे हल्के हल्के शरबत पी रहे हो, तेजी से शरबत पियो। बस मोदी जी आप रहने दो, आप रहने दो, 5 गिलास शरबत पी चुका हूँ, अब बिल्कुल पेट में जगह नहीं है। इस अखिलेश को और शरबत पिलाओ, अखिलेश को पिलाओ। अरे योगी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो, अखिलेश तो कम से कम 50 गिलास शरबत पी चुका है और आपके 5 गिलास शरबत में ही पेट फुल हो गया। केजरीवाल जी उस भगोने में से जरा बर्फ का टुकड़ा इस शरबत वाले भगोने में डाल दो, शरबत कुछ कम ठंडा है, थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा इस शरबत वाले भगोने में डाल दो जल्दी। अरे राहुल ज्यादा बर्फ डालोगे भगोने में तो शरबत फीका हो जाएगा। अपना लोग मिलकर ये शरबत का भंडारा करा रहे हैं, कम से कम ऐसा शरबत तो पिलाओ जो एक बार पिएगा आदमी तो दोबारा नाम ले। केजरीवाल तुम तो उल्टी बातें कर रहे हो, किसी चीज में कमी छोड़ना है अपना लोग शरबत बनाने में। अरे राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, बर्फ थोड़ा सा और डालो भगोने में। देखो केजरीवाल मैं चाहता हूँ ऐसा शरबत हो अपना जो बर्फ से ज्यादा ठंडा हो और शहद से ज्यादा मीठा हो। नीतीश कुमार जी उवैसी जी तुम कैसे दूर दूर खड़े हो, और शरबत लो आ जाओ। अरे पियेंगे मोदी जी, जरूर पियेंगे, आपके हाथ का शरबत तो जरूर पियेंगे, जब आपने शरबत का भंडारा कराया है तो शरबत तो पियेंगे ही पियेंगे। पहले ये गिलास तो भरा हुआ है जो ऐसे तो पी लूं मैं, उसके बाद और लूंगा आपसे शरबत। अरे मोदी जी राहुल एक बात बताओ, आप योगी जी को ही शरबत पिलाने पर लगे हुए हो, अरे पीछे तो हम भी खड़े हैं, हमारी तरफ ध्यान दो। अरे उवैसी जी कैसी बात कर रहे हो, इधर को आओ, इधर को आओ, मैं तुम्हारे गिलास में शरबत करके देता हूँ, आओ कितना शरबत पियोगे, आओ इधर को आओ। अखिलेश तुम कैसे खड़े हो, तुम तो 50 गिलास शरबत पी चुके हो। क्या बताऊं लालू जी, आपके शरबत के भंडारे से पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2-4 गिलास शरबत और पी लूं। तो राहुल सोच क्या रहे हो, हम तो कह रहे हैं 50 गिलास शरबत और पी लो, लो एक गिलास और पकड़ो, लो शरबत पी लो। लेकिन लालू जी बात तो यहीं आकर रुक जाती है, पेट तो फुल है, पेट में कहां से और शरबत रखूं। लेकिन गर्मी के मौसम में आप रोड पर प्यासे लोगों को शरबत पिला रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम सब लोगों को ये काम करना चाहिए। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।